अपनी मांगों को लेकर आज करनाल में सामान्य अस्पताल के फार्मासिस्ट सीएमओ दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। उनका कहना था कि अपनी जायज मांगों को लेकर वह पिछले काफी समय से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे मान नहीं रही है, जिसके रोष स्वरूप वह आज हड़ताल पर हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि यदि उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। इस दौरान यदि मरीजों को कोई परेशानी आती है, इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। गौरतलब है कि फार्मासिस्ट अपनी पे ग्रेड की मांग को लेकर सरकार से कुछ ठोस आश्वासन चाहते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि बीती 16 तारीख को वह मुख्यमंत्री से भी बात कर चुके हैं, उनकी फाइल भी पास हो चुकी है, लेकिन वित्त मंत्री उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज प्रदेश के बाहर के करीब 1200 फार्मासिस्ट हड़ताल पर है। अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी मांगे मानती है या नहीं, या फिर फार्मासिस्ट कोई ठोस कदम उठाने पर मजबूर होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि यदि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सीएमओ आवास सीएमओ दफ्तर के बाहर करनाल के फार्मासिस्ट इस समय हड़ताल पर बैठे हैं और लगभग पूरे प्रदेश में असंकेतिक हड़ताल देकर इन्होंने अपनी मांगों को मांगने के लिए सरकार को विवश करने पर मजबूर है। आइए जानते हैं इनकी मांगे क्या है। मैं राकेश हूँ जनरल सेक्रेटरी करनाल फार्मासी एसोसिएशन से ही। उनका बोलिए। और फार्मासी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट करनाल से। और हमारी सरकार से डिमांड है कि हमारा जो पे ग्रेड है वो 4600 करें, और जो काम फार्मासिस्ट का है, टीका लगाना, पट्टी करना, दवाई देना, मतलब सारा काम फार्मासिस्ट के ऊपर है, और इसको कम स्केल के अंदर जो है 4200 में वेतनमान में रखा गया है, जो बहुत निंदनीय है। हमारी सरकार से ही है कि हमारा पे ग्रेड जो है 4600 किया जाए और प्रमोशन चैनल लागू किया जाए। सर आज प्रदेश भर में हड़ताल है, कितने फार्मासिस्ट होंगे प्रदेश भर में? प्रदेश भर में मुख्य लगभग 1000 से ऊपर फार्मासिस्ट हैं हमारे, और लगभग सारे लगभग सभी स्ट्राइक पे हैं और एमसी लीव पे हैं, टोटली सारे सारे मास लीव पे हैं, सारे टोटली मास लीव पे हैं। और सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि इसको 4600 हमारा वेतनमान किया जाए। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और बहुत उन्होंने हमें कई बार आश्वासन भी दिया है कि आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, और उन्होंने हमारी फाइल भी निकाल दी और सीएम साहब के पास गए हैं तो उन्होंने हमारी बात मान लिया है। लेकिन जो वित्त मंत्री अभिमन्यु जी है वो हमारी फाइल को आगे नहीं सरका रहे हैं, जिसका हमें बहुत खेद है। और हमारा जो फार्मासिस्ट कैडर है, एक पढ़ा लिखा वर्ग है ये, लेकिन हमें क्या है कि मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम चाहते नहीं हैं अगेंस्ट कुछ करने के सरकार के, मगर हमें मजबूर होकर करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें सबसे पीछे धकेल दिया गया है। हमारे मान सम्मान की लड़ाई है ये, और किसी चीज़ की लड़ाई है ना, पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, मगर हम अपने सम्मान के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। और अगर हम आगे भी बैठना पड़ा तो हम पूरे टाइम के लिए यानी हड़ताल पर बैठे रहेंगे, जब तक हमारी 4600 की पे ग्रेड की मांग पूरी नहीं कर दी जाएगी। लेकिन जैसे आज आप हड़ताल में हैं, मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, उसके लिए कुछ सोचा आपने? उसका कोई विकल्प था? आज तक उनके ही मांगे, उनके ही मतलब दिक्कतों को देखते हुए हम ये कदम नहीं उठा रहे थे, लेकिन क्या है कि अब हमें मजबूर होके, हम करना नहीं चाहते तो मजबूर होकर करना पड़ गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो देखो गवर्नमेंट जिम्मेवार है, अगर किसी पेशेंट को कुछ होता है या किसी मतलब मरीज को कुछ होता है तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे। देखा जैसा कि आप इन्होंने बताया कि अगर किसी मरीज को उनकी हड़ताल की वजह से कुछ होता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, ना कि इनकी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।